नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का अलजेब्रा का थर्ड लेसन जो हमारा पॉलीनोमियल से उसका एक्सरसाइज 3.3। लास्ट वीडियो में हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2x^4 + 3x³ + 4x - 2x² / x + 3। पहले हम इसे कैसे सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, बाद में लीनियर से। अब इसे पहले सिंथेटिक डिवीजन से क्या करना है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, मतलब यहाँ 4 है, फिर 3 है, फिर 2 होना चाहिए, तो मतलब स्क्वायर, पहले स्क्वायर लिखना है फिर बाद में इसको। तो पहले हम डिविडेंड का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा, 2 power 4 2x power 4 + 3x³ - 2x² + 4x। लेकिन अभी भी देखिए इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो लास्ट का टर्म होता है विदाउट वेरिएबल मिसिंग है, तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म लिख लेते हैं, इंडेक्स फॉर्म हमारा हो जाएगा 2x³ + 3x³ - 2x² + 4x + 0। अब ये जो डिविडेंड का इंडेक्स फॉर्म है, हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, 2, 3 - 2, 2, 3 - 2, 4 and 0। डिवाइजर हमारा क्या है, लिख देते हैं, डिवाइजर हमारा है x + 3। अब देखिए कल बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे डिवाइजर में हमारा अगर यहाँ प्लस है तो हम क्या लेते हैं, इसका अपोजिट लेते हैं। तो लिखेंगे अपोजिट ऑफ 3 का अपोजिट क्या होगा, -3। अपोजिट ऑफ 3 इज -3। यहाँ पे हमें सारे कोएफिशिएंट लिख लेने हैं, 2, 3 - 2, 4 and 0। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो डिविडेंड का हमने अपोजिट लिया है, डिवाइजर का अपोजिट, वह यहाँ पे क्या आएगा, -3। पहला क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ हम उतार लेंगे, 2 को यहाँ पे उतार लिए। अब 2 का 3 में इंटू करेंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6। -6 है और 3 प्लस है तो माइनस होगा, कितना आएगा, -3, 6 - 3 = 3, लेकिन बड़ा माइनस है इसलिए -3। -3 का -3 में इंटू करेंगे, माइनस माइनस बिल प्लस हो जाएगा और 3 × 3 = 9, 9 - 2 = 7। 7 का इंटू -3 में करेंगे तो माइनस में आएगा 21। 21 में से 4 माइनस करेंगे तो -17 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। अब -17 का -3 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 51, प्लस में आएगा क्योंकि माइनस है और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे 51। ये जो लास्ट नंबर रहता है हमारा क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। अब यह क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म मिल गया, तो लिख देंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोसेंट क्या आया, 2 - 3 = 7 - 17। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 कितने टर्म है, टोटल 4 टर्म है, मतलब हमें जो डिग्री हो कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर कोसेंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x यूज़ किया गया, तो 2x³ - 3x² + 7 - 17, ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया। और रिमाइंडर भी हमें लिखना है, रिमाइंडर हमारा कितना है, 51। इस तरह हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर दिया, अब हम इसी सम को लीनियर डिवीजन से करते हैं। चलिए क्वेश्चन यही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 2x³ + 3x³ + 4x - 2x² हम पहले इसको यहाँ पे कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है, 2x पावर 4 प्लस 3x क्यू
माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब यहाँ पे हमें डिवाइजर देखिए क्या है, यक्स प्लस थ्री है, यक्स है, यक्स है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं टू एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे, टू एक्स क्यू कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में डिवाइजर होता है वो लिखेंगे यक्स प्लस थ्री। अब टू एक्स क्यू का यक्स में इंटू करेंगे तो टू एक्स पावर फोर हो जाएगा, लेकिन टू एक्स क्यू का जब थ्री में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स एक्स क्यू आएगा, ये प्लस में आएगा, तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस सिक्स एक्स क्यू, और इसको एज इट इज उतार लेते हैं, प्लस थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, टू एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स क्यू एक्स प्लस थ्री, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर कॉमन लिखते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर तो ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, सिक्स एक्स स्क्वायर का एक्स में इंटू करेंगे तो सिक्स सॉरी यहाँ पे हम माइनस हो रहा था तो माइनस कर देते हैं, पहले माइनस हो रहा है, सिक्स एक्स क्यू में से थ्री एक्स क्यू जाएगा कितना बचेगा, थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब थोड़ा और ईजी हो जाएगा, टू एक्स क्यू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हम लेते हैं बाहर, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर का एक्स में इंटू करेंगे थ्री एक्स क्यू आएगा, और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का थ्री में इंटू करेंगे तो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में आएगा, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा, प्लस प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो बच गया उतार लेने हैं, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, टू एक्स क्यू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, ये देखिए माइनस हो रहा है, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, टू एक्स क्यू एक्स प्लस थ्री, इसे हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज दिया वैसे उतार लेना है। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, सेवन एक्स लिख सकते हैं, सेवन एक्स कॉमन लिखेंगे तो एक्स प्लस थ्री, सेवन एक्स का थ्री में इंटू करेंगे तो सेवन एक्स का स्क्वायर होगा, लेकिन सेवन एक्स का जब थ्री में इंटू करेंगे तो सेवन ट्वेंटी वन एक्स होगा, यह पॉजिटिव है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में, माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस फोर एक्स, टू एक्स क्यू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री प्लस सेवन एक्स एक्स प्लस थ्री, इसको माइनस कर देते हैं कितना आएगा, माइनस सेवेंटीन एक्स, टू एक्स क्यू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री प्लस सेवन एक्स एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस सेवेंटीन, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस सेवेंटीन और ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, माइनस सेवेंटीन का एक्स में इंटू करेंगे तो कितना होगा, माइनस सेवेंटीन एक्स, ये हमारा आ जाएगा, लेकिन जब माइनस सेवेंटीन का थ्री में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस फिफ्टी वन, लेकिन माइनस फिफ्टी वन हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस फिफ्टी वन, देखिए हो गया हमारा ये। अब क्या कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री हम कॉमन लेते हैं, एंड सेकेंड ब्रेक बचेगा हमारा टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सेवेंटीन प्लस फिफ्टी वन, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ये हमारा कोएफिशिएंट है, लिख लेते हैं, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट हमारा हो गया टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सेवेंटीन, एंड रिमाइंडर में लिख देते हैं, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 51। इस तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा है x पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट डिवाइड बाई x प्लस फोर। हम देखिए ये जो डिविडेंड दिया हमारा उसको पहले क्या कहा, इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है q नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, तो लिख लेते हैं हम पहले इंडेक्स फॉर्म,
इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स पावर फोर प्लस जीरो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस एट। अब इसका हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म कोएफिशिएंट फॉर्म में हमारा क्या आएगा, वन जीरो माइनस थ्री जीरो एंड माइनस एट। डिवाइजर हमारा क्या है, एक्स प्लस फोर, यहाँ प्लस फोर हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस फोर लेना पड़ेगा। लिखेंगे अपोजिट ऑफ फोर इज माइनस फोर, माइनस फोर हम लेने वाले हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं, वन जीरो माइनस थ्री जीरो माइनस एट, और यहाँ पे माइनस फोर। वन को क्या करना है, एज इट इज उतार लेना है, वन यहाँ रहेगा, फोर का वन में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, फोर, लेकिन यहाँ माइनस फोर है तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर। जीरो माइनस फोर इट विल बी माइनस फोर, माइनस फोर का माइनस फोर में इंटू करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फोर फोर जा सिक्सटीन। अब सिक्सटीन में से हमें क्या करना है, थ्री माइनस कर देना है, कितना आएगा, थर्टीन। इस थर्टीन का फोर में इंटू करता है, फोर में इंटू करेंगे लेकिन फोर क्या है, माइनस में, तो हमारा क्या आएगा, माइनस फिफ्टी टू। माइनस फिफ्टी टू का इंटू हमें किस में करना है, सॉरी माइनस फिफ्टी टू को हमें जीरो में ऐड करना है तो माइनस करना है, तो कितना आएगा, माइनस फिफ्टी टू ही रहेगा। माइनस फिफ्टी टू का फोर में इंटू करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 208, 208 माइनस एट इट विल बी 200। ये जो लास्ट रहता है टर्म हमारा क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है, इसको हम बॉक्स कर देंगे। अभी जो फॉर्म मिला है यह कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट फॉर्म है, चलिए देंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोसेंट। क्या मिला हमें, वन माइनस फोर थर्टीन एंड माइनस फिफ्टी टू, इसका कोसेंट हो जाएगा, कोसेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर, फोर टर्म है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यू लेना पड़ेगा, फोर रहे तो थ्री, फाइव रहे तो फोर, तो यहाँ पे फोर टर्म है तो हमें क्यू लेना पड़ेगा। और वेरिएबल यहाँ पे एक्स यूज किया गया तो हमें यहाँ पे एक्स यूज करते हैं, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी टू, और रिमाइंडर भी लिख लेते हैं हम, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200। इस तरह हमने इस सम को सिंथेटिक डिवीजन से कर दिया। अभी इसी सम को हम लीनियर मेथड से करते हैं। देखिए लीनियर मेथड से पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट। अब यहाँ पे देखिए x प्लस फोर है तो हमें यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, x क्यू ले सकते हैं। पहले x क्यू हमने लिया तो क्या बचेगा, x प्लस फोर है तो हमें क्या डिवाइजर लिखना है, x क्यू का x में इंटू करेंगे तो क्या होगा, x पावर फोर होगा, लेकिन x क्यू का जब फोर में इंटू करेंगे तो क्या होगा, फोर एक्स का क्यू, यह पॉजिटिव आएगा तो इसको हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, तो हम ले लेते हैं माइनस फोर एक्स का क्यू और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फोर इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, माइनस हम यहाँ क्या लिखते हैं, फोर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, तो यहाँ डिवाइस जो हमारा डिवाइजर है वो लिखेंगे एक्स प्लस फोर। माइनस फोर एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो माइनस फोर एक्स ही हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर का माइन प्लस फोर में करेंगे तो आएगा हमारा माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा, माइनस आएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस, प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट। ये सबको ऐसे ही उतारना है जैसे दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी यहाँ पे क्यू था, एक्स प्लस फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फोर, ये देखिए माइनस हो रहा है, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर में से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा थर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस एट। एक्स क्यू एक्स प्लस फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फोर प्लस थर्टीन एक्स हम लिखते हैं तो एक्स प्लस फोर, थर्टीन एक्स का एक्स में करें थर्टीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थर्टीन एक्स का जब फोर में करेंगे तो आएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी टू एक्स आएगा,
लेकिन ये पॉजिटिव आएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, मतलब माइनस 52x माइनस 8। अब फिर ये सबको ऐसे उतार लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस 13x एक्स प्लस 4 माइनस 52x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे हमने 52x हमने बाहर अंदर लिया है ना, तो 52 का x में करेंगे तो 52x होगा, 52 का जब 4 में करेंगे तो माइनस 208 आएगा, लेकिन इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा। अपोजिट हम क्या लेते हैं, प्लस 208 माइनस 8, इसको हमने नीचे लिख दिया है, एक्स क्यू एक्स प्लस 4 माइनस 400 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस 13 एक्स एक्स प्लस 4 माइनस 52 एक्स प्लस 4 200 माइनस 8 इट विल बी 208 माइनस 8 इट विल बी 200। अब कॉमन लेते हैं एक्स प्लस 4 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 हम कॉमन लेते, क्या बचेगा, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52 प्लस 200, ये 200 हमारा रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया, कोसेंट। सो देयर फोर कोसेंट हम लिख लेते हैं एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52 और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 200। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है y क्यू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1। देखिए यहां पे इंडेक्स फॉर्म में है तो हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या होगा, 1 माइनस 3 5 एंड माइनस 1। डिवाइजर हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइजर हमारा है यहाँ पे y माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस 1 है तो हमें इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, तो अपोजिट ऑफ माइनस 1 कितना होता है, 1। यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दो 1 माइनस 3 5 एंड माइनस 1। 1 को एज इट इज उतारना है, 1 का 1 में इंटू करेंगे कितना आएगा, 1 1 लिखेंगे माइनस 3 1 तो मतलब 1 में से 3 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा माइनस 2, माइनस 2 का 1 में इंटू करेंगे कितना होगा माइनस 2, 5 माइनस 2 इट विल बी 3, 3 का 1 में करेंगे 3 बन जाए 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे 3 माइनस 1 इट विल बी 2 और ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो लिख देते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोसेंट क्या आया, 1 माइनस 2 एंड 3। यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 3 टर्म है, मतलब हमें जो अपना वेरिएबल है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं कोसेंट फिर, सो देयर फोर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वहाँ वेरिएबल y यूज़ किया गया है तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 और रिमाइंडर हमारा हो गया यहाँ पे 2। ये हमने सिंथेटिक डिवीजन से किया, अभी सेम सम को हम क्या करने वाले हैं, लीनियर डिवीजन से। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं y क्यू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1। देखिए यहाँ पे y क्यू है और यहाँ पे क्या है, y है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा तो y माइनस 1। अब y स्क्वायर का y में इंटू करेंगे y क्यू आ जाएगा, लेकिन y स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस y स्क्वायर आएगा, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट। इसका अपोजिट क्या आएगा, प्लस y स्क्वायर और इसको हमें एज इट इज उतार लेना है, क्या है, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1, वाई स्क्वायर वाई माइनस 1। ये देखिए 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर जाएगा, कितना आएगा, माइनस 2y स्क्वायर
प्लस फाइव वाई माइनस वन, वाई स्क्वायर वाई माइनस वन ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम क्या हमें माइनस टू कॉमन लेंगे, माइनस टू वाई, तो वाई माइनस वन, माइनस टू वाई का वाई में करें तो माइनस टू वाई स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस टू वाई का वन में करेंगे तो प्लस टू वाई होगा। तो प्लस टू वाई को हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस टू वाई लेना पड़ेगा, प्लस फाइव वाई माइनस वन, वाई स्क्वायर वाई माइनस वन, माइनस टू वाई वाई माइनस वन। अब यहाँ देखिए फाइव वाई माइनस टू वाई विल बी थ्री वाई, थ्री वाई माइनस वन, वाई स्क्वायर वाई माइनस वन, माइनस टू वाई वाई माइनस वन। यहाँ पे देखिए थ्री है तो हम क्या करते हैं, थ्री कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस वन, थ्री का वन में इंटू करेंगे कितना, वाई में इंटू करेंगे कितना होगा थ्री वाई, लेकिन थ्री का वन में करेंगे कितना हो जा रहा है थ्री, और थ्री को हटाने के माइनस थ्री को हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा प्लस थ्री, हाँ प्लस थ्री लेते हैं माइनस वन, वाई स्क्वायर वाई माइनस वन, टू वाई माइनस टू वाई वाई माइनस वन, प्लस थ्री वाई माइनस वन, यही कितना हो जाएगा हमारा टू। अब क्या हम कॉमन लेते हैं वाई माइनस वन, तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थ्री प्लस टू, यह हमारा डिवाइजर है, यह हमारा कोशेंट है, और यह हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। तो लिख लेते हैं, सो देयर फोर कोशेंट हमारा हो गया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थ्री, और रिमाइंडर हमारा हो गया टू। इस तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.3 की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, पूरी के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।